उत्तराखंड कई संस्कृतियों और परंपराओं को समेटे हुए है। ये परंपराएं भी अद्भुत हैं। पहाड़ के लोगों में इन परंपराओं के प्रति लगाव भी बेहद अलग है। ऐसी एक परंपरा यहाँ रामलीला आयोजन को लेकर है। हल्द्वानी में होने वाली है रामलीला। अपने समय और इतिहास को लेकर लोगों के बीच अलग ही जगह रखती है। कुमाऊं के हजारों श्रद्धालु रामलीला देखने के लिए आते हैं। वहीं विजयदशमी होने वाले रावण दहन को लेकर रामलीला कमेटी ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं रामलीला कमेटी के आयोजक मनोज गुप्ता ने बताया, इस बार रावण का पुतला 55 फीट का रहेगा, जो कि आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं हल्द्वानी कोतवाल हरेंद्र चौधरी ने बताया, कल होने वाले दशहरे को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी की। इसके साथ ही जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए रूट भी डायवर्ट किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रामलीला केवल पूरे उत्तराखंड में यही होती है हल्द्वानी, और आज को आज के लिए भी हमने बहुत अच्छे इंतजाम करे हैं। सुरक्षा को लेके भी फायर इंसिडेंट भी लगाए हुए हैं, और पुलिस प्रशासन से भी बात हुई है। उनके आज महिला सुरक्षा कर्मी और वाले जो सिविल वाले हैं वो भी रहेंगे, और कल जो है कल को बम वाले भी दस्ता वाले जो होते हैं उनके भी द्वारा यहाँ पे सर्वे होगा। और है हमारे द्वारा एक मीटिंग आहूत की गई थी, जिसे एडिशनल एसपी महोदय द्वारा संबोधित किया गया। इसमें सब वर्ग के सब लोग आए थे, सब धर्म संप्रदाय के लोग बुलाए गए थे, क्योंकि अभी 9 तारीख को वाल्मीकि प्रकट उत्सव शोभा यात्रा भी है और जो है 12 वफात का पर्व भी है। इससे पहले कल जो है हमारा दशहरा पर्व है, तो दशहरा पर्व के दृष्टिगत जो है।